वेलकम टू एवरीवन। सूर्य जिसके वजह से हम पैदा हुए, आज वो हमारी परीक्षा ले रहा है। यहाँ से शक्तिशाली सोलर फ्लेयर फूटी है जिससे पृथ्वी की ओर ऊर्जा का प्रवाह बढ़ गया है। प्रारंभिक रिपोर्टों से कई क्षेत्रों में व्यापक ब्लैकआउट का संकेत मिला है जिससे आगे व्यवधान बढ़ने की चिंताएं बढ़ रही हैं। सन स्पॉट AR-3575 में 6 फरवरी को एक महत्वपूर्ण विस्फोट हुआ जिससे सोलर फ्लेयर और प्लाज्मा का एक गर्म गुबार बाहर निकला जो सूर्य के वायुमंडल में 400 किलोमीटर प्रति सेकंड से भी तेज गति से चमक रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप कोरोनल मास इजेक्शन का निर्माण हुआ। प्रारंभिक संकेतों से पता चलता है कि यह एक शक्तिशाली एम क्लास की सोलर फ्लेयर थी जो हाल ही के वर्षों में सबसे मजबूत सोलर फ्लेयर्स में से एक है। इस विशेष आग की भड़क ने बड़ी मात्रा में आवेशित कणों को फैलाया जिससे संभावित रूप से पावर ग्रिड, संचार प्रणालियों और यहां तक कि पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों में भी व्यवधान उत्पन्न हुआ। भड़कने से अत्यधिक पराबैंगनी विकिरण के कारण ऑस्ट्रेलिया में शॉर्टवेव रेडियो ब्लैकआउट हो गया। अब सवाल उठता है कि इस सौर घटना का असर पृथ्वी पर कैसा पड़ेगा, जानेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सूर्य प्लाज्मा और ऊर्जा का एक विशाल गोला है जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखता है और समय समय पर अपनी शक्ति का ड्रामेटिक प्रदर्शन भी करता है जिसे सोलर फ्लेयर के रूप में जाना जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और चार्ज्ड पार्टिकल के इन विस्फोटों ने सदियों से वैज्ञानिकों और उत्साही लोगों को समान रूप से मोहित किया है। एक हिस्टोरिकल कैरिंगटन इवेंट जो 1859 को हुई थी, उस टाइम साइंटिस्ट सूर्य पर मौजूद काले धब्बों के एक समूह का अध्ययन कर रहे थे। तभी उन्होंने सूर्य पर एक भयावह विस्फोट को देखा था। इस विस्फोट का असर धरती के ध्रुवीय इलाकों पर देखा गया था। सौर तूफान का ये पहला रिकॉर्ड था। उस टाइम सूर्य पर करीब 5 मिनट तक विस्फोटों की विशाल श्रृंखला थी। ये अब तक देखा गया सबसे पहला बड़ा सौर तूफान है। इस विस्फोट के 2 से 4 दिनों के बाद कोरोनल मास इजेक्शन को पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर के चारों ओर डिफ्लेक्टेड होते हुए देखा गया था जिसने नीली रोशनी बिखेरी थी। अब तक के ज्ञात सबसे बड़े सौर तूफान के कारण कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक हर जगह और दोनों ध्रुवों और भूमध्य रेखा के पास आकाश में चमकती रोशनी रात में भी दिखाई देने लगी थी। इस दौरान दुनिया में बिजली व्यवस्था, उपग्रह आदि नहीं थे, इसलिए इतनी ज्यादा तबाही नहीं देखी गई थी। लेकिन अब यदि ऐसा विशाल सौर तूफान आता है तो दुनिया में भारी तबाही आ सकती है। दुनिया भर में कई देशों में बिजली गुल हो सकती है। आसमान में धरती के चक्कर काट रहे हजारों सैटेलाइट तबाह हो सकते हैं। दुनिया में संचार व्यवस्था व बिजली व्यवस्था लंबे समय के लिए ठप हो सकती है। हमारा परोपकारी तारा सूर्य अपने हॉट हार्ट में ऊर्जा का एक तूफानी डांस रखता है। सोलर फ्लेयर्स प्रकाश और रेडिएशन का अचानक विस्फोट इसकी सतह से फूटती है। ये टेक्नोलॉजी को बाधित करने, आकाशीय आतिशबाजी से मंत्रमुग्ध करने और यहाँ तक कि सभ्यता के लिए खतरा पैदा करने की क्षमता रखती है। सूर्य पर एक विशाल विस्फोट होता है जिसमें एक ही विस्फोट में अरबों हाइड्रोजन बमों की ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ये एक सोलर फ्लेयर है। रेडियो तरंगों से लेकर एक्सरे और यहाँ तक कि गामा किरणों तक पूरे स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक तीव्र विस्फोट है। ये ऊर्जा वृद्धि सूर्य के गतिशील चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रेरित होती है जो रबर बैंड की तरह मुड़ती और टूटती है और अपनी संग्रहित ऊर्जा को एक चकाचौंध फ्लैश में जारी करती है। सोलर फ्लेयर्स विभिन्न आकारों में आती हैं, जिन्हें ए टाइप से लेकर एक्स क्लास तक वर्गीकृत किया गया है। ए क्लास फ्लेयर्स कम ध्यान देने योग्य होते हैं, जबकि एक्स फ्लेयर्स 1859 के कैरिंगटन इवेंट की तरह व्यापक बिजली कटौती को ट्रिगर कर सकते हैं और संचार प्रणालियों को बाधित कर सकते हैं। बी क्लास और सी क्लास फ्लेयर्स एक मध्यवर्ती स्थिति रखते हैं जो रेडियो ब्लैकआउट करने और उपग्रहों को प्रभावित करने में सक्षम है। सौर ज्वाला के परिणाम उसकी तीव्रता, दिशा और पृथ्वी की संवेदनशीलता पर निर्भर करते हैं। एक हल्का बी फ्लेयर आकाश को चमकदार अरोरा से रंग सकता है, जबकि एक शक्तिशाली एक्स फ्लेयर आवेशित कणों की एक धार को पृथ्वी की ओर फैला सकता है जिसे कोरोनल मास इजेक्शन के रूप में जाना जाता है। ये पावर ग्रिड में उछाल ला सकता है, संभावित रूप से ब्लैकआउट और ट्रांसफार्मर को नुकसान पहुंचा सकता है। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रह तीव्र विकिरण से अंधे या निष्क्रिय भी हो सकते हैं। अंतरिक्ष यात्री बढ़े हुए विकिरण स्तर के संपर्क में आए तो स्वास्थ्य जोखिम पैदा होता है। दरअसल सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र लगभग हर 11 साल में पूरी तरह उलट जाता है। इस घटना को सोलर साइकिल के रूप में जाना जाता है। इस चक्र को सौर गतिविधि के बढ़ने और घटने की विशेषता है जिसमें सनस्पॉट, सौर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन शामिल है। सौर चक्र के चरम पर सूर्य की मैग्नेटिक एक्टिविटी अपने अधिकतम स्तर पर होती है जिसमें बड़ी संख्या में सनस्पॉट और तीव्र सौर ज्वालाएं होती हैं। जैसे जैसे चक्र आगे बढ़ता है सोलर एक्टिविटी धीरे धीरे कम हो जाती है जब तक कि यह न्यूनतम तक नहीं पहुंच जाता है जिसे सोलर मिनिमम के रूप में जाना जाता है। इस चरण के दौरान सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो जाता है और सनस्पॉट गतिविधि कम हो जाती है। सोलर मिनिमम के समय के आसपास सूर्य के चुंबकीय ध्रुवों में ध्रुवीयता उलट जाती है जिसका अर्थ है कि उत्तरी चुंबकीय ध्रुव दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव बन जाता है। यह एक नए सौर चक्र की शुरुआत का प्रतीक है और यह प्रक्रिया लगभग हर 11 साल में दोहराई जाती है। सोलर मैग्नेटिक साइकिल स्पेस वेदर की घटनाओं को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर और आयनोस्फीयर में स्थितियों को प्रभावित कर सकता है। उपग्रह संचार, पावर ग्रिड और अन्य तकनीकी बुनियादी ढांचे पर सोलर एक्टिविटी के प्रभाव की भविष्यवाणी करने और उसे कम करने के लिए इन चक्रों को समझना आवश्यक है। सौर ज्वालाओं की सटीक भविष्यवाणी करना एक सतत चुनौती बनी हुई है। वैज्ञानिक सूर्य की गतिविधि की निगरानी करते हैं, सनस्पॉट
चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन और पिछले चमक पैटर्न का विश्लेषण करते हैं। हालांकि भड़कने की सटीक ताकत और समय की भविष्यवाणी करना ज्वालामुखी के फूटने के सटीक क्षण की भविष्यवाणी करने के समान है। टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष अवलोकनों में प्रगति के बावजूद सूर्य की आंतरिक कार्य प्रणाली अभी भी कई रहस्य रखती है। हम सौर तूफानों के प्रति असहाय नहीं है। अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान प्रणालियां लगातार सूर्य की निगरानी करती हैं, संभावित ज्वालाओं और CMI की प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करती हैं। सौर ज्वालाओं का प्रभाव हमारे ग्रह से कहीं आगे तक फैला हुआ है। वे अंतरिक्ष यान पर संचार और नेविगेशन सिस्टम को बाधित कर सकते हैं, जिससे मंगल और उसे आगे के मिशन प्रभावित हो सकते हैं। भविष्य के अंतरिक्ष इन्वेस्टिगेशन प्रयासों की सुरक्षा और सफलता सुनिश्चित करने के लिए सोलर एक्टिविटी को समझना और भविष्यवाणी करना महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही के सोलर एक्टिविटी से अत्यधिक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ने पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी परतों को आयनित कर दिया है और पूरे ऑस्ट्रेलिया में शॉर्टवेव रेडियो ब्लैकआउट का कारण बना है। सौर ज्वाला की चरम तीव्रता के बाद हैम रेडियो और समुद्री ऑपरेटरों ने 1 घंटे तक 30 मेगाहर्ट्ज से नीचे सिग्नल लॉस का अनुभव किया। रिपोर्ट के अनुसार कोरोनल मास इजेक्शन को सौर और हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी कोरोनोग्राफ में नहीं देखा गया था, लेकिन इसके अस्तित्व का सबूत अमेरिकी वायुसेना द्वारा प्रदान किया गया था। दरअसल एम टाइप फ्लेयर ने विस्फोट के समय एक्सरे की मजबूत पल्स और पृथ्वी की ओर भेजे गए अत्यधिक पराबैंगनी विकिरण के कारण व्यापक रेडियो ब्लैकआउट का कारण बना। प्रकाश की गति से यात्रा करते हुए विकिरण केवल 8 मिनट में पृथ्वी पर पहुंच गया और पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी परत थर्मोस्फीयर को आयनित कर दिया, जिससे उस समय पृथ्वी के सूर्य से प्रकाशित हिस्से पर शॉर्टवेव रेडियो ब्लैकआउट हो गया, जिससे ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया में शॉर्टवेव ब्लैकआउट का अनुभव हुआ और क्षेत्र में हैम रेडियो ऑपरेटरों और नाविकों ने भड़कने के चरम के 1 घंटे बाद तक 30 मेगाहर्ट्ज़ से कम आवृत्तियों पर सिग्नल लॉस देखी होगी। यह घटना कोरोनल मास इजेक्शन में सबसे आगे शॉक वेव्स का भी संकेत देती है और पृथ्वी पर संभावित प्रभावों के बारे में सवाल उठाती है। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के फोरकास्टर्स के अनुसार 25% संभावना है कि ऐसी घटना एक ही दिन हो सकती है। नासा ने अपनी सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी से सोलर ब्राइटनेस की आश्चर्यजनक तस्वीरें और वीडियो कैप्चर किए। इस स्पेस टेलीस्कोप विभिन्न वेव लेंथ में सूर्य पर निरंतर नजर रखती है। और भी अधिक सौर गतिविधि क्षितिज पर हो सकती है, क्योंकि एक और अस्थिर सनस्पॉट क्षेत्र 3576 दृश्य में आता है, जबकि सनस्पॉट क्षेत्र 3575 पृथ्वी से दूर घूम रहा है। 3576 के रूप में नामित एक और सनस्पॉट क्षेत्र पृथ्वी की ओर घूम रहा है और अगले कुछ दिनों में सीधे पृथ्वी का सामना करेगा। NOAA ने सनस्पॉट के इस समूह के लिए भी भड़कने की उच्च संभावना की भविष्यवाणी की है। M5.1 भड़कने के परिणाम स्वरूप तीव्र एक्सरे विकिरण पृथ्वी पर टकराया। जबकि पिछले सप्ताह सूर्य अपेक्षाकृत शांत था, अब यह गतिविधि के मध्यम स्तर पर पहुंच गया है। सक्रिय क्षेत्रों से कई कम तीव्रता वाली ज्वालाएं देखी गईं, जो कोरोनल मास इजेक्शन से भी जुड़ी थीं, जो पृथ्वी की ओर डायरेक्टेड नहीं थीं। सूर्य के सुदूर भाग पर भी एक विस्फोट हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप एक फुल हेलो CMI निकला, जो कि सूर्य के चारों ओर सभी दिशाओं में हिंसक रूप से फेंका जा रहा है। सूर्य ने सभी दिशाओं में उच्च ऊर्जा वाले कणों का विस्फोट किया है, लेकिन इस बार मनुष्य भाग्यशाली हैं, क्योंकि अधिकांश विस्फोट पृथ्वी पर टारगेटेड नहीं है। अभी कुछ दिन पहले दिसंबर 2023 में नासा के एक टेलीस्कोप ने वर्षों में सबसे बड़ी सौर ज्वाला को कैद किया था, जिसने पृथ्वी पर रेडियो संचार को अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। नासा के अनुसार हम वर्तमान में सोलर साइकिल 25 में हैं और जुलाई 2025 के आसपास ये अधिकतम तक पहुंचने की उम्मीद है। सोलर फ्लेयर्स सूर्य की अपार ऊर्जा के महत्व के एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। सौभाग्य से वैज्ञानिक लगातार सूर्य की निगरानी कर रहे हैं, बेहतर भविष्यवाणी मॉडल विकसित कर रहे हैं और संभावित प्रभावों को कम करने के लिए सरकारों और समुदायों के साथ काम कर रहे हैं। यह संयुक्त प्रयास हमें लचीलेपन और ज्ञान के साथ सौर तूफानों का सामना करने में मदद करता है। यह सौर चमक सूर्य की शक्ति का एक नमूना मात्र हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे हम अंतरिक्ष की गहराई में उतरते हैं, सोलर एक्टिविटी को समझना और भविष्यवाणी करना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारी टेक्नोलॉजी की सुरक्षा और भविष्य के तूफानों से खुद को बचाने के लिए निरंतर अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मजबूत बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण है। क्या इस सोलर फ्लेयर ने सूर्य और उसके प्रचंड विस्फोटों के बारे में आपकी जिज्ञासा बढ़ा दी? जरा कमेंट करिए। याद रखें कि विज्ञान खोज की एक सतत यात्रा है और आज की घटना सूर्य के साथ हमारे संबंधों की चल रही कहानी में सिर्फ एक अध्याय है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें।